हे गाइस, मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने केमिकल फॉर्मूला पार्ट वन और पार्ट टू की बात की थी, तो आज हम बात करेंगे कि आखिर केमिकल फॉर्मूला लिखते कैसे, यानी केमिकल फॉर्मूला लिखने का क्या तरीका होता है। तो उस तरीके से अगर आपके पास कोई भी डाउट हो केमिकल फॉर्मूला लिखने के दौरान, तो आप इस वीडियो को बेहतर तरीके से देख सकते हैं, और अगर लास्ट तक देखें तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आखिर केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे अगर किसी जैसे सिल्वर नाइट्रेट का आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो रूल कहता है कि सबसे पहले किसी भी एलिमेंट या रेडिकल के सिंबल को सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा रूल कहता है कि किसी भी एलिमेंट या रेडिकल या आयंस के वैलेंसी को उसके बाद लिखते हैं, और उसके बाद क्रिस क्रॉस कराते हैं, और फिर एट लास्ट वैलेंसी के सहारे केमिकल फॉर्मूला को लिखते हैं। तो यहाँ सिल्वर का जो सिंबल होता है, यहाँ सबसे पहले हम सिंबल लिख रहे हैं, तो सिंबल सिल्वर का सिंबल Az होता है, और नाइट्रेट एक रेडिकल है, और नाइट्रेट का सिंबल NO3 होता है। यहाँ उसके बाद दूसरे स्टेप में आप यहाँ सिल्वर की वैलेंसी और नाइट्रेट की वैलेंसी लिखेंगे, तो सिल्वर की वैलेंसी एक होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी एक होती है। अब तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी कि दोनों के वैलेंसी को आप आड़ा तिरछा करेंगे, इसका वैलेंसी इसके पास और इसका वैलेंसी इसके पास जाएगा। देयरफॉर जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा, जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा Ag का वैलेंसी NO3 के पास, तो क्या Ag और नाइट्रेट की वैलेंसी Az के पास, तो AgNO3 बनेगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला AgNO3 होगा। दूसरी एग्जाम्पल अगर बोले सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अगर इसके सिंबल की बात करें, तो अगर सिंबल लिखते हैं तो सिल्वर का सिंबल Az होता है और क्लोराइड का Cl। वैलेंसी अगर लिखें तो वैलेंसी सिल्वर का एक, क्लोरीन का एक, आप क्रिस क्रॉस कराएंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा AgCl। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप देख रहे हैं इसमें कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन का सिंबल हमने C लिखा। डाई कभी भी न्यूमेरल वैल्यू को आप केमिकल फॉर्मूला लिखने के दौरान नहीं लिखते हैं। उसके बाद ऑक्साइड, ऑक्साइड एक नेगेटिव आयंस है, इसलिए ऑक्साइड को हमेशा ऑक्सीजन समझेंगे यहाँ, और ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है। जब वैलेंसी लिखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, क्रिस क्रॉस करेंगे तो कार्बन के पास ऑक्सीजन की दो वैलेंसी जाएगी तो C2, और कार्बन की वैलेंसी चार ऑक्सीजन के पास जाएगी तो C2O4। दोनों में दो कॉमन है, तो इसलिए दोनों में जब दो कॉमन है तो इसे उसे भाग कर देंगे, तो टू वन जे टू और टू टू जा फोर, देयरफॉर क्या बनेगा CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला CO2 होता है, सिल्वर क्लोराइड का AgCl और सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला AgNO3 होता है। आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca, कार्बोनेट का CO3, और उसके बाद दूसरा स्टेप कहता है कि हमेशा कैल्शियम या किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी लिखते हैं, तो कैल्शियम की वैलेंसी दो और कार्बोनेट की भी वैलेंसी दो होती है। अब क्रिस क्रॉस जब कराते हैं तो कैल्शियम के पास कार्बोनेट की दो वैलेंसी जाएगी, कार्बोनेट के पास कैल्शियम की दो वैलेंसी जाएगी, देयरफॉर फॉर्मूला क्या होगा, CA2CO3। अब देखिए
रूल कहता है कि यदि किसी रेडिकल के पास या किसी आयंस के पास एक से ज्यादा वैलेंसी जाए तो हमेशा उसको सिंगल ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो सिंगल ब्रैकेट में अगर लिखें तो हमने सिंगल ब्रैकेट दिया और दो को हमेशा सिंगल ब्रैकेट के नीचे लिखा जाता है। अब अगर देखते हैं तो इसमें दोनों में दो दो कॉमन होता है, दोनों में जब दो दो कॉमन होता है तो आप दोनों के एचसीएफ से भाग करते हैं तो क्या होगा, टू और टू यानी दो 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 का एचसीएफ जो होगा दो होगा, तो इसलिए टू वन जे टू, टू वन जे टू, देयरफॉर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होगा। अब जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg, क्लोराइड का सिंबल जो होता है यानी कि क्लोराइड मींस क्लोरीन, तो क्लोरीन हमने लिखा। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी दो होती है और क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है एक होती है। मैग्नीशियम की वैलेंसी दो इसलिए होती है क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप दो का तत्व है और सभी ग्रुप दो के तत्वों का जो वैलेंसी होता है दो होता है। अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन के पास, क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के पास, देयरफॉर होगा क्या, Mg Cl टू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना भी कहा जाता है या केवल लाइम भी कहा जाता है, तो अब देखिएगा कैल्शियम की, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O। अब कैल्शियम की वैलेंसी दो, ऑक्सीजन की भी दो, क्रिस क्रॉस अगर करें तो होगा क्या, Ca2O2, दोनों में दो कॉमन, देयरफॉर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा ये Ca होगा। अब इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 लिखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को MgCl2 लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, अब बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम में मैग्नीशियम का वैलेंसी, सॉरी मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है दो, हाइड्रोक्साइड का एक, क्रिस क्रॉस करें तो केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, Mg और OH। अभी हमने बताया कि अगर कोई रेडिकल एक से ज्यादा एटम वाला मौजूद हो तो हमेशा उसको सिंगल ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है, तो सिंगल ब्रैकेट हमने दिया, और अगर एक से ज्यादा वैलेंसी मौजूद हो तो हमेशा सिंगल ब्रैकेट के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है, उसकी वैलेंसी को बिल्कुल नीचे लिखा जाता है। तो इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला MgOH ट्वाइस होता है जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ही कहा जाता है। अब सोडियम नाइट्रेट दूसरा एग्जाम्पल है, सोडियम, सॉरी सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम की जो सॉरी सोडियम की जो सिंबल होती है वो Na, सल्फेट का SO4, तो सोडियम का जो वैलेंसी होता है एक, सल्फेट का वैलेंसी दो होता है। देयरफॉर क्रिस क्रॉस अगर करें तो आपके पास केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2SO4, यहां यहां केवल एक जाएगा इसलिए कभी भी एक को नहीं लिखते हैं, तो सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला Na2SO4 होगा। उसके बाद अगर बात करें सोडियम सल्फाइड की, सोडियम सल्फाइड, तो सोडियम की Na, सल्फाइड की SO3, यहां देखिएगा सल्फेट का जो रेडिकल होता है SO4 और सल्फाइड का SO3 होता है, इसलिए अब देखिएगा सोडियम का जो वैलेंसी होता है एक, सल्फाइड का दो होता है। अब क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, Na2SO4, सॉरी SO3, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो
जैसे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, यहां नाम से समझ आ रहा है कि ये आयरन है, तो फेरिक या इसी को फेरस भी बोलते हैं, लेकिन यहां जब फेरिक है तो हमेशा आयरन का सिंबल लिखते हैं, ऑक्साइड ओ। आयरन जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो भी वैलेंसी होता है वो वेरिएबल वैलेंसी मतलब परिवर्तनशील संयोजकता होता है। तो यहाँ आयरन की जो वैलेंसी होती है तीन होती है, और ऑक्सीजन की हमेशा दो। इस तरीके से जब क्रिस क्रॉस करेंगे तो केमिकल फॉर्मूला फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3 होता है। अब बात करते हैं लेड नाइट्रेट की। तो लेड नाइट्रेट में लेड का जो सिंबल होता है Pb, नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं, और लेड की जो वैलेंसी होती है टू, नाइट्रेट की जो वैलेंसी होती है एक। देयरफॉर जब क्रिस क्रॉस करते हैं तो नाइट्रेट की वैलेंसी एक लेड के पास जाती है तो Pb1, और नाइट्रेट के पास दो वैलेंसी जाती है, इसलिए इसको सिंगल ब्रैकेट में नीचे की तरफ लिख दिया जाता है। देयरफॉर लेड नाइट्रेट का जो केमिकल फॉर्मूला फाइनली होगा PbNO3 ट्वाइस होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूना जल भी कहा जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का जो सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का जो होता है OH, कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है दो, हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है एक। तो यहां से कैल्शियम की वैलेंसी हाइड्रोक्साइड के पास और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कैल्शियम के पास, देयरफॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होगा CaOH2 होगा। अब अगर जिंक सल्फेट देखें तो जिंक का जो सिंबल होता है Zn, सल्फेट का SO4, जिंक का जो वैलेंसी होता है दो, सल्फेट का जो होता है वैलेंसी दो। देयरफॉर आप अगर क्रिस क्रॉस करें तो फाइनली इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Zn2 SO4 ट्वाइस। लेकिन यहां दोनों के पास दो दो कॉमन है, इसलिए आप Zn SO4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास दो कॉमन है, आप भाग करेंगे अगर दो से तो कितना होगा, Zn1 SO4 1, यानी Zn SO4 फाइनली। अब बात करते हैं कॉपर कार्बोनेट या दूसरा कॉपर सल्फेट की। तो यहां देखिएगा, अगर कॉपर सल्फेट लिखें, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का जो सिंबल होगा Cu, सल्फेट का SO4। कॉपर की जो वैलेंसी, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, लेकिन कॉपर सल्फेट में हमेशा कॉपर की जो वैलेंसी होती है एक और दो, यानी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, लेकिन हमेशा कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी दो होती है, तो इसलिए हमने दो लिखा है। सल्फेट की हमेशा दो होती है, तो इसलिए क्रिस क्रॉस करें तो फाइनली Cu2 SO4 और ट्वाइस होता है, लेकिन दोनों के HCF से अगर भाग करें तो कितना होगा, 2 1 2 2 1 2, देयरफॉर CuSO4। अब नेक्स्ट की बात करें, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का जो सिंबल होता है Na, क्लोराइड का Cl, सोडियम की वैलेंसी एक, क्लोराइड की वैलेंसी एक, क्रिस क्रॉस करेंगे कितना होगा, फाइनली होगा NaCl, जिसको सिंपल साल्ट भी कहा जाता है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी इंप्यूरिटीज हो, यानी कि थोड़ी सी भी अशुद्धि हो, तो इसे रॉक साल्ट कहा जाता है। अब नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट देखें, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, हाइड्रो क्लोरिक एसिड, किसी भी एसिड को आप एसिड यानी किसी भी अम्ल को आप अम्ल तभी कह सकते हैं जब उसमें जल की मात्रा मौजूद हो। आप हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों का केमिकल फॉर्मूला लगभग सेम लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में केवल जल की मात्रा मौजूद होती है, इसलिए उसको HCl एक्वस लिखते हैं, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होता है और उसको केवल HCl गैस लिखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिखा है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप इसी को हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे आप केमिकल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन को एच और क्लोरीन को सीए लिखते हैं, और इसके बाद जब वैलेंसी लिखते हैं तो हाइड्रोजन का एक क्लोरीन का एक क्रिस क्रॉस करते हैं तो बनेगा क्या, एच सी और एल। तो फाइनली अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज आपने गेन किया होगा इस वीडियो से तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे।